हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रक्षिता और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं अबाउट फ्लैट फीट या फ्लैट फुट या जिसे हम मेडिकल टर्म्स में बोलते हैं पेस प्लेनस। तो ये बहुत इजीली हमें देखा जाता है आजकल पेशेंट्स के अंदर, और इसके अंदर क्या होता है कि जो अपना पैर है उसके जो अंदर की तरफ की जो एक आर्च बननी चाहिए जैसे मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च बोलते हैं, वो किसी न किसी रीज़न से अगर डेवलप नहीं हुई होती है या वीक हो जाती है, जिसका मतलब ये है कि अंदर की जो छोटी छोटी पैर की मसल्स हैं जिन्हें हम इंट्रिंसिक मसल्स बोलते हैं, उनमें वीकनेस है या वो डेवलप नहीं हुई है, जिसके वजह से जो आपका पैर है वो ऐसे फ्लैट हो जाता है ज़मीन के ऊपर। अब इसके वजह से क्या होता है कि पेशेंट्स को पेन आता है, उनके टोज में पेन हो सकता है, हील में पेन हो सकता है, पूरे सोल में पेन हो सकता है, एंकल में पेन हो सकता है, और इसके वजह से पूरा का पूरा पोस्चरल इम्बैलेंस भी हो सकता है। हम बात करेंगे कि फ्लैट फीट के टाइप्स क्या हो सकते हैं। तो हम इसे ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं दो टाइप्स में, एक है फंक्शनल फ्लैट फीट और एक होता है रिजिड फ्लैट फीट। फंक्शनल फ्लैट फीट वो होते हैं जिसके अंदर पेशेंट को कॉन्स्टेंटली फ्लैट फीट नहीं होता। इसका मतलब है कि अगर पेशेंट नॉर्मली बैठा है या लेटा है तो उनकी थोड़ी सी आर्च, मतलब कि थोड़ा सा वो कर्व हमें देखने मिलेगा पैर के अंदर, जबकि जैसे ही वो वेट बेयर करते हैं या खड़े होते हैं या पैर पर अपना वजन डालते हैं तो उनका पैर फ्लैट हो जाता है। इसका मतलब कि उनको पूरे टाइम शायद पेन ना रहे, बट जैसे ही वजन डालेंगे अपने पैर पे तो उनको शायद दर्द महसूस होगा। दूसरी तरफ हम बात करते हैं रिजिड फ्लैट फुट की, जो कि यूजुअली बाय बर्थ ही लोगों में प्रेजेंट होता है। उसके अंदर वो कॉन्स्टेंटली पैर जो है वो फ्लैट ही रहता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो खड़े हैं या बैठे हैं या चल रहे हैं। जब हम बात करते हैं रिजिड फ्लैट फुट की तो उसके लिए यूजुअली एक्सरसाइज से ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता है, क्योंकि वो बहुत लंबे टाइम से चलता आ रहा होता है, और उसके बाद हमें यूजुअली एक्सटर्नल सपोर्ट, एक्सटर्नल डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि इंसोल, जो कि आपके फुटवेयर के अंदर ही हम एक एक्स्ट्रा सपोर्ट लगा देते हैं जिससे आपकी आर्च मेंटेन हो जाती है और पेशेंट को चलना ईजी हो जाता है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं फंक्शनल फ्लैट फीट की, तो वो ऐसी चीज़ है जिसके अंदर एक्सरसाइजेस बहुत इफेक्टिव होती हैं और बहुत सिंपल इजी एक्सरसाइजेस से भी पेशेंट को जो आर्च है वो डेवलप करने में हम वापस हेल्प कर सकते हैं। तो अब हम वीडियो में आगे देखेंगे कुछ इजी एक्सरसाइजेस जो कि आप घर बैठे बैठे कर सकते हैं और अपनी आर्च को डेवलप कर सकते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में हम एक टॉवल लेंगे और उसको ऐसे रोल करेंगे अपने टोज से कुछ 10 से 15 बार। अब की बार हम कंफर्टेबली बैठ जाएंगे और अपने पैर को अंदर की तरफ ऐसे मोड़ने की कोशिश करेंगे। इसे वी विल होल्ड फॉर 3 to 5 सेकेंड्स और रिपीट करेंगे कुछ 10 से 15 बार। अब की बार हम अपने पैरों की मसल्स को रिलीज़ करेंगे। इसके लिए आप एक टेनिस बॉल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर एक ठंडे पानी की बॉटल, जैसे कि हमने यहाँ पर यूज़ की है। इसको आपको अपने पैरों के नीचे रख के बस रोल करना है कुछ आराम से 10 से 15 बार। अगली एक्सरसाइज में हम छोटे स्टोन्स या पेबल्स लेंगे और उनको अपने पैरों से और पंजों से उठाने की कोशिश करेंगे। इनको हम उठा के एक तरफ रखेंगे, फिर उठा करके वापस अपनी जगह पे रखेंगे। इससे हमारे पैरों की जो छोटी मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग होती है और अपनी आर्च डेवलप होने में हेल्प होगी। अब की बार हम एक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करेंगे। इसमें हम अपने पंजों पे और एड़ी पे खड़े होंगे, एक एक करके कुछ 3 से 4 सेकेंड का होल्ड करेंगे और 10 से 15 बार रिपीट करेंगे। ठीक है गाइस, तो ये थी कुछ इजी एक्सरसाइजेस फ्लैट फीट के लिए, और अगर आपको भी लगता है कि आपको रिजिड फ्लैट फीट है और आपको भी इंसोल्स की ज़रूरत है तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो हमारा नंबर है उस पर हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए और हम आपको देंगे आपके लिए सूटेबल इंसोल। ये था हमारे वीडियो में, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।